हाँ भाई सूद ख़त्म। अब जिसने सूद लेने के ऊपर जिद की, हाँ उसको ज़रूर खंबे पे लटकाया जा सकता है, उसको ज़रूर निशाने इबरत बनाया जा सकता है। अब जिसने चोरी की उसका हाथ ज़रूर काटा जाएगा, निशाने इबरत बनेगा। अब जिसने कत्ल किया उसका सर ज़रूर कलम किया जाएगा। अब जिसने करप्शन की उसको ज़रूर सजा दी जाएगी, चाहे वो जो भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक अफवाह है, पता नहीं क्या है फैला हुआ है कि ये काफ़ी लोग ज़िक्र भी करते रहते हैं और सोशल मीडिया पे भी कभी आपको मिल जाएगा। लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान में जब इस्लामी निज़ाम आएगा तो जितने करप्ट लोग हैं उनको खंभे पे लटका दिया जाएगा, उनको कोड़े मारे जाएंगे, सज़ाएं दी जाएंगी और बड़ी हार्श हार्श बातें होती हैं। देखें इस्लाम का जो निज़ाम है ना, इस्लाम का जो मिजाज है कि जब इस्लाम में कोई बंदा दाखिल होता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, तो उससे पहले उसने जो भी किया होता था वो सब ख़त्म, वो सब माफ़। वो ऐसे होता था कि जैसे वो अभी माँ के पेट से पैदा हुआ है, जैसे नौमुलूद बच्चा होता है गुनाहों से पाक होता है। इसी तरह इस्लाम में मुशरिकीन भी जब दाखिल होते थे तो ये इस्लाम का उसूल है कि जब कोई बंदा आज भी इस्लाम कबूल करे वो गुनाहों से पाक, पिछले गुनाह जो उसके हैं वो सब माफ़ हो जाते हैं, चाहे गुनाह कबीरा हो, चाहे सगीरा हो, चाहे शिर्क हो, चाहे शिर्क अकबर हो। किसी ने बुतों को पूजा, इस्लाम में दाखिल हो गया, पिछले गुनाह माफ़। किसी ने हत्ता कि अपनी बेटी को दफनाया है जैसे बच्चियों को दफना देते थे, पिछले गुनाह माफ़। हत्ता के हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे तो ओहद की तरफ, वो पूरा ओहद के पीछे से चक्कर काट कर आते हैं और मुसलमानों के ऊपर हमला करते हैं। हत्ता के मुसलमानों का इतना नुकसान होता है कि नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी शहीद हो जाते हैं। लेकिन वही खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम में दाखिल होते हैं तो वही दहने मुबारक, वही दहने मुबारक जिससे दो दंदान मुबारक शहीद हुए थे और खालिद इब्न वलीद की फ़ौज जो आई थी उसके हाथों हुए थे, उसी दहने मुबारक से जिसके दो दंदान मुबारक शहीद हो चुके हैं, अल्लाह ताला के इज़न से नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि खालिदु सैफ मिन सयूफिल्लाह, के खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये तो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है, वही दहने मुबारक है। यानी कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम में दाखिल हो गए तो पिछली गलतियां, कोताहियां, गुनाह सब ख़त्म। ये इस्लाम का तरीका है। इसी तरह जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम या खिलाफत का निज़ाम पाकिस्तान में आएगा, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पिछले गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे। जो भी गुज़र चुका उसको वहाँ पे स्टॉप किया जाएगा और उससे आगे की बात होगी। किसी ने पहले करप्शन की है, मैं नहीं कहता कि नहीं की होगी, पहले जुल्म किए हैं, ज़्यादती की है, सब कुछ किया है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मोस्ट प्रोबेबली जो भी प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो लीडरशिप होगी, बजाय इसके कि वो पिछले मामलात को सॉल्व करने की कोशिश करें, वो सबसे पहले ये करेंगे कि लेट्स स्टॉप इट हियर, जो पीछे है उसको पीछे रहने दो, आगे की बात करो। जिसने करप्शन की है, जिसने जो भी मामलात किए हैं उनको हम स्टॉप करते हैं, आगे की बात करते हैं। अब जिसने चोरी की उसका हाथ काटा जाएगा, जिसने कत्ल किया उसका सर कलम किया जाएगा, जिसने जुल्म किया उसको उससे बदला लिया जाएगा, जिसने हुकूमत के खिलाफ नाफरमानी की, जिसने हुकूमत के खिलाफ बगावत की, वो गद्दार समझा जाएगा और गद्दार की सजा मौत है। उसके बाद, उससे पहले जिसने सूद किया, सूद लिया दिया, सूद के मामलात किए, वो सब वहीं स्टॉप करके आगे की बात की जाएगी। हाँ भाई सूद ख़त्म। अब जिसने सूद लेने के ऊपर ज़िद की, हाँ उसको ज़रूर खंभे पे लटकाया जा सकता है, उसको ज़रूर निशाने इबरत बनाया जा सकता है।
अब जिसने चोरी की उसका हाथ ज़रूर काटा जाएगा, निशान इबरत बनेगा। अब जिसने कत्ल किया उसका सर ज़रूर कलम किया जाएगा। अब जिसने करप्शन की उसको ज़रूर सजा दी जाएगी, चाहे वो जो भी फिक में उसको होता है, कोड़े मार रह जाते हैं या हाथ काटे जाते हैं या जो भी मामला होता है, वो उससे आगे होगा। तो हाँ, ये है कि जो पिछले पेंडिंग मामलात हैं, किसी ने किसी का हक देना है, किसी से लेन देन का मामला है, या किसी ने को कत्ल किया है और अभी उसको उसकी सज़ा नहीं मिली, कसास भी अदा नहीं किया, तो वो मामलात इस तरह के जो होंगे ना, वो ज़रूर हो सकते हैं। लेकिन वो जो मामलात एक तो समझा जाता है ना कि पता नहीं इन सारे पॉलिटिशियंस को, नहीं, इस तरह थोड़ा ही है। इस तरह तो फिर हम सब करप्ट हैं, वो तो फिर सारी की सारी कौम ने कोई ना कोई गुनाह किया होगा अपनी ज़िंदगी में, तो वो सबको पहले मार दो, तो फिर जो 2, 4, 5 रह जाएंगे, पता नहीं वो भी रहेंगे या नहीं, तो उनके ऊपर हुकूमत कर लो। इस तरह नहीं होता। वो जब गलतियाँ, कोताहियाँ, गुनाह सबसे होते हैं, तो जब उस प्रेसिडेंशियल सिस्टम, उस इस्लामी निज़ाम को एक्सेप्ट कर लेगा जो बंदा, तो ला तसरीब अलैकुमुल यौम, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में दाखिल होने के बाद कह दिया था कि आज तुम्हारे ऊपर कोई पूछ नहीं है, पिछली बातें माफ़। जिस तरह के हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को कह दिया था कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज से पिछली बातें माफ़, हाँ आगे की बात करो। अब जिसने मस्ती की, अब उसकी ख्याल नहीं, अब जो जुल्म करेगा उसका हाथ पकड़ा जाएगा, काटा जाएगा। अब जो चोरी करेगा उसका हाथ काटा जाएगा। जो शादीशुदा बंदा जना करेगा, संसार किया जाएगा। लेकिन जिसने वहाँ तक एक्सेप्ट कर लिया और उसका गुनाह ऐसा नहीं है, जो लेन देन के मामलात हैं, किसी के देने हैं, किसी के लेने हैं, वो तो ज़ाहिर है उसको दूसरों के हक अदा करने होंगे। तो अगर ऐसे नहीं हैं और वो इसमें दाखिल हो गया है, तो फिर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि उसको वहीं पर स्टॉप करके आगे की बात की जाएगी। तो इवन ये हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, इनके अंदर अगर जो प्रॉब्लम्स हैं, इसी तरह हमारे जो लीडर्स हैं, रिलीजियस पेशवा हैं, स्कॉलर्स हैं, इसी तरह अगर आर्मी के अंदर कोई शॉर्ट कमिंग्स हैं, जनरल्स हैं, ये जितने भी हैं, ऐसा नहीं है कि बस ये सब सजा खम्भों पे लटके होंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो उस नए सिस्टम को एक्सेप्ट करेगा, सपोर्ट करेगा, उसका हिस्सा बनेगा और आइंदा से सीधा होकर चलने की कोशिश करेगा, आइंदा से तआवुन करेगा, तो उसके साथ बेहतर रवैया रखा जाएगा और आगे के मामलात को देखा जाएगा। पिछले मामलात अगर कोई ऐसे होंगे जैसे लोगों का हक देना है, या बिल्कुल क्लियर कोई एविडेंस के साथ कोई मामला हो गया, तो वो हक अदा करने के लिए शायद कहा जा सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे खंभे पे लटके होंगे, फिर तो सारे पॉलिटिकल वर्कर्स को भी खंभे पे लटका दो, फिर आम शहरियों को भी खंभे पे लटका दो, ब्यूरोक्रेसी को भी लटका दो, जजों को भी लटका दो, इस तरह नहीं है। आगे की बात होगी कि भाई जो गुजर गया बस ठीक है, अब आगे आए, अब से हम हक की बात करते हैं, अब से हम इस्लाम कायम करने की बात करते हैं, और जो पिछले हक किसी ने देने हैं वो उनको अच्छे तरीके से अदा कर दे, और वो जो उसके ऊपर जुर्माना सज़ा है वो शायद माफ़ कर दी जाए, ताकि आगे से एक अच्छा निज़ाम और अच्छी मोहब्बत और भाईचारे वाली सोसाइटी कायम की जा सके।